हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का सेकेंड केस। प्रीवियस वीडियो में हमने फर्स्ट केस डिस्कस किया था, जिसमें जो लीनियर चार्ज था वो हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूटेड था। ये हमारा होगा सेकेंड केस, जिसमें जो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो वर्टिकली होगी, लाइक दिस। सपोज़ कि हमने पॉजिटिव चार्ज को लीनियरली डिस्ट्रीब्यूट किया है इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है, लाइक दिस। अब हमें क्या करना है, एक पॉइंट P है, वो पॉइंट P ये जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर है इसके सेंटर पे भी हो सकता है और सेंटर पे नहीं भी हो सकता है। तो मैं उस पॉइंट P को यहाँ पे ले रही हूँ, ठीक है, यहाँ पे है वो पॉइंट P। अब हमें क्या करना है, इस पॉइंट पी पे इस लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से कितनी फील्ड एक्सपीरियंस हो रही है वो टोटल फील्ड कैलकुलेट करनी है। कैसे अप्रोच करेंगे हम इसको? सबसे पहले तो इस पॉइंट पी का इससे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको मैं कुछ नाम दे देती हूँ। ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसको मैं नाम दे देती हूँ स्मॉल एक्स, इस डिस्टेंस को। और रॉड के एंड्स से जो भी डिस्टेंस होगा उनको हम जस्ट मैच करवा देते हैं यहां से और यहां से, इन्हें मैच करवा दिया। अब हम मान लेते हैं इस पूरे लीनियर जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें जो ओवरऑल चार्ज है वो कैपिटल क्यू है इस लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन में। अब हमें क्या करना है, इस पॉइंट पी पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो हम मान लेते हैं ये जो पूरी लेंथ है, टोटल लेंथ, ये कैपिटल एल है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक स्मॉल लेंथ डीएल कट करेंगे। सपोज यहाँ से हमने एक स्मॉल लेंथ डीएल कट की है और ये लेंथ इस पॉइंट से जहाँ से हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया था, इस पॉइंट से इस लेंथ का यहाँ तक का जो टोटल डिस्टेंस है वो है स्मॉल एल, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस स्मॉल एल है। ओवरऑल जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर है उसकी लेंथ है कैपिटल एल, स्मॉल पोर्शन हमने कट किया डी एल, ठीक है, जिसकी इस पॉइंट से जो लेंथ है वो है स्मॉल एल। ये हो गए डिस्टेंसेस, ये वाला डिस्टेंस है स्मॉल एक्स। अब हम क्या करेंगे, ये जो डी एल लेंथ हमने कट की है इस पॉइंट को हम जॉइन कर देंगे, ठीक है, यहाँ से और यहाँ से हम इसे जॉइन कर देंगे। मान लेते हैं ये कुछ एंगल बना रहा है इस पॉइंट पे, मान लेते हैं डी फाई एंगल बना रहा है। और ये जो हमने एंगल मेजर किया है इसका, यहाँ से जो ओवरऑल एंगल बन रहा है मान लेते हैं वो फाई बन रहा है, ओवरऑल एंगल फाई है। और ये जो ओवरऑल लेंथ आई है, ये स्लांट लेंथ आई है, इसे हम स्मॉल ए मान लेते हैं, ठीक है। मतलब ये जो डी एल है, ये जो डी एल लेंथ है जो हमने कट की है, ये डी फाई एंगल सबटेंड कर रही है पॉइंट पी पे, ठीक है, एट एन एंगल ओवरऑल एंगल ऑफ फाई। और ये जो स्लांट लेंथ है इस डी एल से पी तक की वो है स्मॉल ए, ठीक है। अब हम आगे प्रोसीड करते हैं, इस स्मॉल लेंथ डी एल पे मान लेते हैं स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज है डी क्यू। इस डी क्यू चार्ज की वजह से क्या रहा होगा, इस पॉइंट पी पे स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी लग रही होगी। मान लेते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो लग रही है वो है डी ई, ठीक है। तो इस ओवरऑल रॉड की वजह से मान लेते हैं ओवरऑल जो फील्ड लग रही होगी वो कैपिटल ई रही होगी, बट इस स्मॉल लेंथ की वजह से जो फील्ड लग रही है वो डी ई है इस डायरेक्शन में आउटवर्ड, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड जो होगी वो रेडियली आउटवर्ड होगी, तो डी ई इस डायरेक्शन में होगा। अब मैं अगर इस लाइन को एक्स्ट्रापोलेट कर दूं ऐसे, तो आप देख सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और हम देख लेते हैं, यहाँ से ये वाला जो एंगल बना है, इस पॉइंट से हमने जो लाइन पी को मैच की है, ये वाला जो एंगल बन रहा है इसको कुछ नाम दे देते हैं और ये ऊपर वाले एंगल को भी नाम दे देते हैं। तो ऊपर वाला एंगल को हमने नाम दे दिया है थीटा वन और ये जो नीचे वाला एंगल है इसको नाम दे दिया थीटा टू, ठीक है। अब ये वाली
जो फील्ड है वो डी ई है, ये वाला एंगल फाई था, राइट। तो ये वाला एंगल भी फाई होगा क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है, राइट। ये दोनों राइट क्रॉस से बाइसेक्ट कर सॉरी एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। ये वाला एंगल फाई होगा, ये भी एंगल फाई होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, राइट। क्योंकि हमें पता है दो लाइंस की जब ऐसे क्रॉस सेक्शन होती है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो होता है वो इक्वल होता है। तो अगर ये वाला एंगल फाई है तो ये एंगल भी फाई होगा। तो अब ये एंगल फाई है तो फाई की डायरेक्शन में जो बनती है कॉम्पोनेंट बनते हैं वो होते हैं कॉस वाले। तो ये वाला होगा डी ई कॉस फाई, और इसी के 90 डिग्री वाले एंगल पे जो हमारा कॉम्पोनेंट होगा वो होगा डी ई साइन फाई। ये हो गए इसके कॉम्पोनेंट्स। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये वाली जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर है इसके परपेंडिकुलर है ये वाला कॉम्पोनेंट, तो इसको हम ई परपेंडिकुलर भी बोल देते हैं। और इसके पैरेलल है ये वाला कॉम्पोनेंट तो हम इसको ई पैरेलल भी बोल देते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ हमें याद रखनी है कि हम डी क्यू को हमेशा लैम्डा इंटू डी एल लिख सकते थे, है ना। लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था जहाँ पे लैम्डा क्या होती है, हमारी चार्ज पर यूनिट लेंथ, और जिसे हम बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं, इस डी ई की वैल्यू देखते हैं क्या हो सकती है। इस डी ई की वैल्यू डी ई हमारा इक्वल हो सकता है 1/4πε0 चार्ज डी क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। जो डी क्यू चार्ज है उसके इस पॉइंट पी से जो डिस्टेंस है वो हमने बोला हुआ है स्मॉल ए, तो वो होगा स्मॉल ए स्क्वायर। अब हमने क्या बोला, डी क्यू को हम लिख सकते हैं लैम्डा इंटू डी एल, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1/4πε0 लैम्डा डी एल बाय ए स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद अब हमें ना ये ट्राइंगल देखनी है, ये वाली जो ट्राइंगल बन रही है इसको मैं अलग से यहाँ पे बना रही हूँ, ये ट्राइंगल, ये वाली ट्राइंगल, इसे मैं यहाँ पे बना रही हूँ। ये एंगल फाई है, ये वाली लेंथ है स्मॉल एल, राइट। ये वाली स्लांट लेंथ हमने ए ली हुई है, ये ए, ये एल, और ये वाली लेंथ एक्स, राइट। यहाँ से अगर मैं कॉस फाई की वैल्यू निकालूँ तो वो क्या आएगी, एक्स बाय ए। तो यहाँ से ए स्क्वायर निकाल सकते हैं हम, ए स्क्वायर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर फाई। तो अब हमें क्या करना है, ए स्क्वायर की ये वैल्यू हमें यहाँ पे सब्सटीट्यूट करनी है, ए स्क्वायर की जगह हमें एक्स स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर फाई लिखना है। तो वो क्या बन जाएगा, 1/4πε0 लैम्डा डी एल बाय ए स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर फाई, यही आ जाएगा। अब 1/cos² φ, या यूँ बोलूँ cos² φ को मैं 1/sec² φ भी लिख सकती हूँ, राइट। तो मैं वही करने जा रही हूँ, cos² φ को 1/sec² φ लिख दूँगी। तो ये हो जाएगा 1/4πε0 लैम्डा डी एल बाई एक्स स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर फाई, ठीक है। cos² नीचे जाके बन गया सीकेंड स्क्वायर फाई। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, फिर से इस ट्रायंगल को देखेंगे। इस ट्रायंगल में टैन फाई की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, वो क्या आएगी, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो होगा एल बाय एक्स, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो यहाँ से एल किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स टैन थीटा। तो डी एल हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, एक्स सीकेंड स्क्वायर थीटा, नहीं सॉरी फाई, एक्स आ जाएगा एक्स सीकेंड स्क्वायर फाई डी फाई, डिफ्रेंशिएट कर दिया दोनों साइड्स को। तो यहाँ से डी एल की एक वैल्यू आई है, इस डी एल की वैल्यू को हमें सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, डी एल की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो 1/4πε0 लैम्डा बाय एक्स स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर फाई, डी एल की जगह पे ये वैल्यू डाल देंगे एक्स सीकेंड स्क्वायर फाई डी फाई। तो एक एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, सीकेंड स्क्वायर से सीकेंड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या रह जाएगा, 1/4πε0 लैम्डा डी फाई, राइट। ये बचेगा हमारे पास, एक्स भी बचेगा एक नीचे, ये वाला। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, अब हमें फाइंड आउट करना है ई परपेंडिकुलर, ये
ई परपेंडिकुलर क्या होगा हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ डी ई कॉस फाई। तो ई परपेंडिकुलर क्या आएगा हमारा, इंटीग्रेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाय एक्स कॉस फाई डी फाई। कुछ नहीं किया है, बस डी ई की ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, ई परपेंडिकुलर इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाय एक्स कॉस फाई डी फाई की इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक होगी, एंगल हमारा कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, माइनस ऑफ थीटा बाय टू, क्योंकि यहाँ से हम नीचे जा रहे हैं, तो माइनस ऑफ थीटा बाय टू से प्लस ऑफ थीटा वन तक वेरी कर रहा है। तो फाई की जो वैल्यू है वो वेरी करेगी माइनस थीटा बाय टू से प्लस थीटा वन तक। अब ई परपेंडिकुलर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाय एक्स कॉस फाई की इंटीग्रेशन होती है साइन फाई, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। तो ये आ जाएगा ई परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाय एक्स साइन थीटा टू प्लस साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू। ठीक है, ये प्लस क्यों हो गया है वो भी हमें पता ही है, क्योंकि जो साइन ऑफ माइनस थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है, माइनस साइन थीटा। तो जब हम साइन लोअर लिमिट पुट करेंगे साइन ऑफ माइनस थीटा बाय टू, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, उस माइनस को जब हम बाहर लेके आएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये आएगा हमारा ई परपेंडिकुलर। अब हमें फाइंड आउट करना है ई पैरेलल। तो ई पैरेलल फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, ई पैरेलल क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी ई साइन फाई, राइट। यहाँ पे भी डी ई की वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है, वो हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाय एक्स साइन फाई डी फाई इंटीग्रेशन। कॉन्स्टेंट्स को इंटीग्रेशन से बाहर करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाय एक्स साइन फाई डी फाई इंटीग्रेशन। अब इसकी भी लिमिट्स सेम जाएंगी, माइनस थीटा टू से प्लस थीटा वन तक। तो ये क्या हो जाएगा, लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स साइन थीटा की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा माइनस कॉस फाई, अपर लिमिट माइनस अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। अच्छा, लास्ट केस में साइन ऑफ मैंने बताया था, साइन ऑफ माइनस थीटा जो होता है वो माइनस साइन थीटा के इक्वल होता है। तो इसीलिए जब हमने माइनस साइन को बाहर लिया था माइनस माइनस प्लस हो गया था, बट कॉस ऑफ माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा के ही इक्वल होता है। तो इस केस में क्या होगा, लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ऐसा करते हैं, माइनस को बाहर निकालने के बजाय साइन चेंज कर देते हैं, यह आ जाएगा कॉस ऑफ थीटा टू माइनस कॉस ऑफ थीटा वन। ठीक है, मैंने माइनस को बाहर नहीं निकाला, साइन चेंज कर दिए, मतलब एक स्टेप एक्स्ट्रा आप कर सकते हैं, अगर आपको ऐसे ही समझ आ गया तो ऐसे ही रहने दीजिए। तो ये हो जाएगा हमारा ई परपेंडिकुलर। ठीक है, अब एक स्पेशल केस हमें डिस्कस करना है इसमें। उस स्पेशल केस में क्या होगा, जो ये वायर और रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो भी आप बोलेंगे, ये जो वायर लाइक स्ट्रक्चर है, अगर ये इनफाइनाइट हो, मतलब ये जो वायर या रॉड जो भी हमने बोला है जिसकी विड्थ जो है वो निग्लिजिबल है, मान लेते हैं अगर ये इन्फिनिटी तक जाता दोनों तरफ से तो क्या होता, मतलब माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी जा रही होती इसकी लेंथ, तो फिर क्या होता, हमें इस पॉइंट पी पे निकालना होता फील्ड की वैल्यू को। तो हम क्या करते हैं, पहले तो हम इसको, हमने माना था ये एंगल थीटा वन, ये एंगल थीटा टू, राइट, और हमने क्या किया था, ई परपेंडिकुलर और ई पैरेलल की वैल्यूज़ निकाली थी। बहुत इजी है, ई पैरेलल हमारा ये आया था लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स, राइट, बीच में कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन। अब हमें थीटा देखना है कि थीटा कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहे हैं इनमें, ये थीटा वन और थीटा टू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहे हैं। देखिए, ये जब थीटा वन की वैल्यू हम देखें, जब रॉड की लेंथ इतनी थी, ये थीटा वन जा रहा था यहाँ तक, राइट, पर ये अगर इन्फिनिटी तक होगा तो ये थीटा कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी में थीटा 90 डिग्रीज को रीच करेगा। सिमिलरली इस केस में भी ये एंगल, जैसे जैसे रॉड की लेंथ बढ़ रही है, ये एंगल
सबटेंड होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और इन्फिनिटी के लिए इसकी लेंथ, इसका एंगल हो जाएगा 90 डिग्रीज। तो इनफाइनाइट लेंथ के लिए थीटा 1 हो और थीटा 2 हो, दोनों ही 90 को अप्रोच करते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 90 डिग्री के इक्वल होते हैं। किस केस में? ये इनफाइनाइट लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के केस में, ठीक है। तो अब जो हमारे फॉर्मूला, इसमें हमें थीटा 2 और थीटा 1 की वैल्यूज 90 पुट करनी है, दैट्स इट। तो मतलब ये कॉस 90 डिग्री माइनस कॉस 90 डिग्रीज, तो ये आ जाएगा लैम्डा बाय 4 पाई अब साइलन नॉट एक्स। 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 0, 0, 0 मल्टीप्लाइड बाई समथिंग इज 0, तो आंसर इज 0, राइट। नेक्स्ट, ई परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है हमें, वो इसके इक्वल है 1/4 पाई अब साइलेंट नॉट लैमडा बाय एक्स साइन ऑफ, अब यहाँ पे हम सीधे 90 पुट करेंगे, 90 डिग्री प्लस साइन ऑफ 90 डिग्री। 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1, एंड 1, 1 प्लस 1 2, तो ये आएगा 2/4 पाई अब साइलेंट नॉट एक्स लैमडा, दैट्स इट, ठीक है। तो ये आएगी हमारी ई परपेंडिकुलर की वैल्यू। ये हो गया हमारा स्पेशल केस का जब वायर जो है वो इनफाइनाइट होगी। तो आई होप ये जो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के दोनों केसेस थे ये आपको क्लियर होंगे। आई होप दिस वीडियो वाज यूजफुल फॉर यू। सो फार दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।